जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। महाप्रभुंकर मधुरा, महाप्रभुंकर अधर मध्य मधुरा, से अधर को नहीं महाप्रभुंकर एक नीति जार नाम हूँ अधरपणा। आपण माने देखुचंती अपूर्व भाव सहित महाप्रभुंकर सेवक माने किपर भाव महाप्रभुंकर सेवा करने सदा सर्वदा तत्पर। बहु सेवक सेवित नित्य दिने सदा सर्वदा महाप्रभुंकर पाखरे सेवा करने तत्परता था आज्ञा। कहीं महाप्रभु जिते विराजमान करवा सेवा कर जो कथा बड़ भाई कहते आज्ञा नवदा भक्ति कथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सक्षात्मा निवेदन ये हूँ नवदा भक्ति। नवरस रही जो साहित्य नवरस रही नवश्रृंगार रही ये समस्त प्रकार न आज्ञा महाप्रभुंकर नवदिनात्मक यात्रा। जदि दुर्गांकर देखिए सीमा नव दुर्गा आज्ञा प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी चिताष्टम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। दे नवदुर्गांकर कथा कौ कौ देवींकर दर्शनाय मध्ये देवी परात परा भगवती या प्रकृति रूपिणी छाउणी मठ कूपरु जल आसी पणियापट सेवक माने गोटे प्रस्तुत होता आप देखिथे महाप्रभुंकर रथजात्रा से जलपात्र गमन करते बड़े बाहुड़ा जत्रा रे महाप्रभु आसिले से रथ उपर जलपात्र रखा जाए था। महाप्रभु जिते मंदिर को विजय करेंगे से जलपात्र भितरको जीव महाप्रभुंकर से भाव सहित पाणियापट महाप्रभुंकर सेवा करेंगे। जिते प्रपानकर कथा आसी थाए कहे महाप्रभु को केउठारे प्रपानक भोग लागिबो पणा कथा जिते आसी थाए पणा के भोग लगी था महाप्रभुंकर ये हूँ तीन छक आज्ञा। तीन छकियारे प्रपानक भोग लगी था प्रपानक उत्सर्ग कराए। आप देखिए ये उत्तर को दक्षिण को दुईटी रास्ता आउ गोटे रास्ता हूँ कौन महाप्रभुंकर पड़ी संपूर्ण भाव में दोलमंडप साई भितर को ये तीन मुंडिया छक महाप्रभु विराजमान करोटी रथ आपण मैंने देखुं समस्त भक्तवृंद मैने विराजमान कर महाप्रभुंकर से अधरपणा नीति को देखापी कारण कौन ये तो अशरीरी मानकर महाप्रभुंकर ये तृप्ति करने लीला अधरपणा आज्ञा के पाइबा कथा नु कहीं पाती ना कहीं सी केवल चंडी चामुंडा भूत प्रेत पिशाचगण से केवल उद्दिष्ट करा जाए। महाप्रभु समस्त को तृप्ति करी 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 आसी आज्ञा। प्रथमे गुंडीचा माँ को तृप्ति कले द्वितीय सेठारे थिबा इंद्रदुम्न सरोवर कूल रही द्वारा इंद्रदुम्न को मध्य तृप्ति कले तृतीय समस्त भक्तवृंद मान को महाप्रभु तृप्ति करी ता सहित साधु संत मान को तृप्ति करी काली राजाधिराज वेशरे महाप्रभु भूषित होई समस्त जगत गंधर्व जक्ष मान काली सब संपूर्ण भाव तृप्ति कर दे। गोटे कथा ये भक्तर भाव टीए व्यक्त करी थांती आज्ञा महाप्रभु को जिते बड़े एत लोक काली दर्शन करने को आसिले महाप्रभु को नजर लगि से नजर लग जा द्वारा देखु काली आशांत के सुंदर देखा जाते आज टिके मुख मलिन पड़ जा कहीं महाप्रभु को नजर लग जा काली आसुना से नजर को उतारापी नजर को हटेबापी महाप्रभुंकर स्वतंत्र विधि व्यवस्था रे ये कौन करा जाए था ना प्रपानक को महाप्रभुंकर अधर पर्यंत ये गोटे कथा रही आज्ञा। महाप्रभुंकर से संपूर्ण भाव में जपरि भाव में जहाँ को उत्सर्गीकृत करता भंगा जाए था जपरि भाव में नजर उतारा जाए नजर संपूर्ण भाव में अन्य स्थान को
फिंगा जाए से भाव सहित महाप्रभु से अदर आउ गोटे कथा जिते बड़े अनेक भक्तवृंद मान आसर सहित क्यों मैंने ना संपूर्ण भाव अशरी माने आगमन करपण मैने आसी था जो मैंने भक्तवृंद मान आर पछे 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 समस्त प्रकार अशरी माने पलि आसीपरी भाव आपण आसी आपत जापार आपण बेगरे कि जिनस रही जाए आसिक पहुँची जा भाव सहित आपण देखुं कौन करा जाउछि ना छाउणी मठर कूप जो मठ दुईटी मठ सिंहद्वार पार्श्वरे विराजमान करिछन्ति गोटी होउछन्ति छता बड़ छता मठ आउ गोटी होउछन्ति छाउणी मठ जेतेबेले छाउणी मठरे महाप्रभु ये जो कूप रहउछि या पूर्वरु जेतेबेले कथा आसे छाउणी मठर कूप जेतेबेले नथिला पूर्वरु राधा बल्लभ मठ कूपरु मध्य जल जीवार कथा आसिथाय राधा बल्लभ मठ कूपरु प्रथमे जल जाई महाप्रभुंकर अधरपणा नीति मध्य होतिला ये कथा मध्य तापरे छाउणी मठर कूप खनन करा जाई तापरे सेठारु मध्य स्वतंत्र विधि 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 व्यवस्था अनुसार कहीं ना ये छाउणी मठर कूपरु आपण जदि देखिबे पतित पावनंकर प्रत्येक नीतिकांति पाई मध्य एठारु जल जाई थाय आ महाप्रभु रथरे अधिष्ठान कला बेले रथ दिन मध्य एठारु जल जाई महाप्रभुंकर नीतिकांति हबो महाप्रभु बाहुड़ी आसवा दिन बाहुड़ा दिन मध्यु जल जाई महाप्रभुंर जेहेतु बाहुड़ा दिन महाप्रभु आसी पहुँची जी से दिन नीतिकांति हैपर दिन महाप्रभुंर सुवर्ण बेश से भाव सहित काली आपले नीतिकांति ये जल जाई हो आज जेहेतु बेसी जल दरकार कहीं नौ नौटी हाँ जिते बस महाप्रभुंर ये प्रपानक कथा जिते बार श्रीमंदिर राजभोग एवं छपन भोग मध्य पणाभोग अन्यतम पणाभोग महाप्रभुंर दैनिक नीति समेत केतेक विशेष पर्वपर्वाणी दिन मानक अन्य एक नाम है प्रपानक जपरी भाव महाप्रभु षोडश उपचार रे केते प्रकार प्रपानक घसा जल प्रपानक बोली कह जाए था महाप्रभुंर प्रत्येक उपचार रे घसा जल महाप्रभुंर पाखे लगी था नाम कह जाए कि महाप्रभुंर प्रणा नाम सुपरिचित कहीं ना महाप्रभु जहाँ कथा आपण मैने जानी महाप्रभुंर अक्षय तृतीया ठार महाप्रभुंर गोटे पणा भोग आसी कहीं ना महाप्रभुंर जिते बड़े गरमर अक्षय तृतीया जेहेतु चंदन लागी होता है रात्र समय रे महाप्रभुंर आलट लागी परे प्रपानक भोग स्वतंत्र भाव अनुष्ठित करा जाए से विधि व्यवस्था अनुसार महाप्रभुंर मध्य अनसर गृह से पड़ती महाप्रभुंर चकटा भोग प्रपानक भोग महाप्रभुंर लगी था किंतु महाप्रभुंर ये जो विधि विधान सर था यठार ही कह जाए संपूर्ण भाव भग्न करा प्रपानक जो पणा भोग समाप्ति होता है साधारणतः श्रीमंदिर भोग परंपरा मध्य तीन प्रकार पणा भोग होता है ताला दैनिक पणा अणसर जो बेले पणा आधर पणा तेरे रथ उपर अनुष्ठित होता अधर पणा हो सर्वबृहत पणा बोली कहुई सबुठ बृहत पणा यह भाव कौन सी संसार आप देखिए ना यह भाव पणा क्या पाखे भाव एत बड़ तुम्ब लाऊ आकृति में कहीं लाऊ जपरी भाव देखा जाए ये तुम्ब आकृति में माटी पात्र द्वारा कहीं माटी पात्र द्वारा महाप्रभुंर समस्त प्रकार भोग लगे सुखिली भोग लगे सरा से भाव ओली महाप्रभुंर लगुच देखु से महाप्रभुंर दैनदिन जो भाव देखा पड़ था तेज रथ उपर कौन सर्वबृहत पणा से हीपरी महाप्रभु जिते बड़े रत्न सिंहासन अधिष्ठान करती अणसर पिंडी आड़प मंडप स्नान मंडप पहंडी विजय समय महाप्रभु को प्रपानक भोग लगी था दैनिक दिन में जो महाप्रभुंर पणा भोग महाप्रभुंर प्रत्येह अनुष्ठित होता षाठी प्रकार भोग द्रव्य मध्य पणा भोग अन्यतम
ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୈନିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଧୂପରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଉଳି ପଣା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିକ୍ରମଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗନ୍ଧନି କୁହାଯାଇଛି, କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଇଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରପାନକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଭଳି ଭାବରେ ସହିତ ପାଳିଆ ମହାସ୍ୱାର କ୍ଷୀର କଦଳୀ ନବାତ କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଣା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଉଳି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପଂକ୍ତିରେ ଏକ ଉଳି ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପାଖରେ ଏକ ଉଳି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ଦୁଇ ଉଳି, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପାଖରେ ଏକ ଉଳି, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଳି ପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ପ୍ରପାନକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆସିବ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କେଉଁଠାକୁ, ନା ମଧ୍ୟେ ଦେବୀ ପରାତ ପରା ଭଗବତୀ ଯେପରି ଭାବରେ ଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବତୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବିମଳା ମାତାଙ୍କର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଇଏ ଆସିଲାଣି କ'ଣ, କ୍ଷୀର ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ପୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, କ୍ଷୀରକୁ ପୟ ପୃଥିବ୍ୟା ପୟୋସଧୀଶୋ ପୟୋଦିବ୍ୟାନ୍ତରିକ୍ଷେ ପୟୋଧା ପ୍ରଦିଶା ସନ୍ତୁମୟମ୍। ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କ୍ଷୀରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ, କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚାମୃତ ଭିତରେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ଷୀର ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୀର ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନାର ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସଂସାରରେ ତାହା ଆଉ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆପଣ କହିବେ କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ଷୀରରେ ଯାହା ଅଛି ସଂସାରରେ ଆଉ କାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ହେଉଛି ମହାଭୋଇ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କଥା ରହିଛି, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ ଯୋଗା ଯାଇଥାଏ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ ଯୋଗା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଉଦ ସାନ ଉଳି ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଉଳି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଅଠେଇଶଟି ଉଳି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧରପଣା ବା ଡାକପଣା ମଧ୍ୟ ଏକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକୁ ଅଣସରପଣାକୁ ଡାକପଣା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅଧରପଣା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବ ମିଶ୍ରିତ ଯେହେତୁ କରାଯାଇଥାଏ ହେଉଛି ନବାନ୍ନପଣା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଏ ନବାନ୍ନପଣା ଅର୍ଥାତ୍ ନ ପ୍ରକାରର, ଏଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ବିଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ନବ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବାଦେବୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନ ହାଣ୍ଡି ଲେଖାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥାଏ ତିନି ତିନୋଟି ହାଣ୍ଡି ଲେଖାଏ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଇତିହାସ କଥା ମଧ୍ୟ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅଧରପଣାର କଥା, ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି ଅଧରପଣାକୁ ନେଇକି, ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି ଯେଉଁ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନଅ ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରି ଆଜି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ନା ତିନି ଛକରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥାଏ ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଅଶରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଅଶରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଦେବୀ ପୂଜାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦେବୀଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରପାନକ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସେ ପ୍ରପାନକ ଭୋଗ ଯାଇ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଗିନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶରୀରୀ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରପାନକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କଥା ରହିଛି, ଇଏ ଅଶରୀରୀମାନେ, ଇଏ ଅଶରୀରୀ କିପରି ଭାବରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ତ ଅଶରୀରୀମାନେ ପଳେଇଲେ, ପୁନର୍ବାର ଆର ବର୍ଷକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ଉଦରବାର ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ନୀତି କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଗମନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିବ,
कहीं शरीर शीघ्र मुख्य प्राप्ति हुए ना जेपरी भाव ये शरीर को प्राप्ति जेपरी भाव करा जाइछि ये शरीर मध्य से भाव सहित जेहेतु आम प्राप्ति होती ये शरीर को मध्य से भाव मुख्य कामना करने मुख्य प्राप्ति अनेक तादर क्रिया रही जो क्रिया को आम ये करूँ निजे भावंतु महाप्रभु ये अधरपणा जो प्रस्तुत करा ये अशरीर माने समस्त भक्तवृंद मान सहित संगत रे आगमन करिछन्ति जेहेतु संगत रे आगमन करिछन्ति तांको मानंकु सो सो स्थान को किपरि भाव रे जीव न पाइला पर्यंत मुख्य प्राप्ति न होला पर्यंत ये शरीर रु संपूर्ण भाव रे मुक्ति पाइबा पाई कहीं ना आम ये शरीर जो प्राप्ति होती ये शरीर जिते प्राप्ति होती ये शरीर जपर्यंत मुक्ति मुख्य प्राप्ति होना बा मुक्ति प्राप्ति होना ये शरीर संपूर्ण भाव कि हुए ना से जीव जिते प्राण थाए से निश्चित भाव से जीव को मध्य मुख्य को प्राप्ति करने आप देखुं गरा साहय गरार मध्य आपण मान देखुं पणिया पट सेवक माने महाप्रभुंकर भाव सहित सेवा करूँ अपूर्व भाव सहित महाप्रभुंकर नाम को मन भितर चिंतन करी महाप्रभुंकर कहीं महाप्रभुंकर अधर पर्यंत लागिव पानी ये जो पानी आज जीव महाप्रभुंकर अधर पर्यंत लागिव आज्ञा जो अधर को देखिले नाली नाली अधर महाप्रभुंकर जो अधर को स्वतंत्र भाव सहित कुंभार विषय माने प्रस्तुत करिछंती ये स्वतंत्र भाव सहित से अधर पर्यंत महाप्रभुंकर लागि जो कहा जाइछि जे महाप्रभुंकर न प्रकार जो रही थाए द्रव्य मान ये न प्रकार द्रव्य आपण देखिबे छाती सर कदली छेना गोलमरीच गुंड कर्पूर जाइफल ये समस्त प्रकार एकत्रित कराजिबो तादरे पानी संख्या बेसी रहिब कहीं ये समस्त प्रकार गोटे भाग हेले जल तार संपूर्ण भाव आपण देखिबे अनेसत भाग कहीं बेसी भाग आउ जहाँ पे देखिए जपरि भाव में मीठा लगुवा दरकार कहीं महाप्रभु को ये जेहेतु समर्पण करागला परे महाप्रभु ताकू संपूर्ण भाव में महाप्रभुंकर पाखरे से देखिए तीनोटी मध्य स्वतंत्र भाव सहित वस्त्र धारण करी अधरपणा भोग पूर्व महासुआर थाई महाप्रभुंकर समस्त प्रकार जिते बड़े थे भितरछ महापात्र तलुछ महापात्र से भाव में सुभद्रांकर रथरे पालिया पुष्पालक अधर आगरे खंडे महाप्रभुंकर नुआ गामुछा धरी था एकाएक सेवकंकर अनेक भूमिका आपण देखिए किपरि भाव में बड़बाड़ सामंतंकर पाखरे आ महाप्रभुंकर पाखरे आउ मध्य भाग रे से भले देवी सुभद्रांकर पाखरे मध्य से भले भाव रे कहीं ना महाप्रभु को महाप्रभु अधर पर्यंत लागिथिव महाप्रभु देखि पारु नथिबे ये कौन कहीं गोटे गामुछा मध्य धरा जाइथिव जेपरि भाव रे महाप्रभु देखिले सिना किंतु महाप्रभु केवल अधर पर्यंत जेहेतु लागिथिव से अधर को महाप्रभु चुंबित कदा बली महाप्रभुंकर अधर अधरामृत मध्य कहा जाइथाय अधर महाप्रभुंकर माळ रहिछि से भाई भाव अनेक अधर कथा रही आज चंडी चामुंडा विराजमान करना देवी सुभद्रांकर रथ में चंडी चामुंडा मान विराजमान आपण जदि देखिए महाप्रभुंकर रथ में से भाई भाव सहित चंडी रही चामुंडा मान विराजमान कर रक्षा करने भैरव मान विराजमान कर सखी मैंने रही ये समस्त देवादेवी को महाप्रभु कौन करती चरितार्थ खाली या नुह ये समस्त प्रकार अधरामृत जिते बड़े कथा आसे महाप्रभुंकर अधर नाम तुम्भ तुमर हृदय भाव अधूरा आखि खोजे धार धार लुह पीरती अधीरे खोजे तुमर अभाव मन जे अधीर आहुरी नाही कोह जिते बड़े कहीं अशरीर मान कोहो तांको भितरे कहीं ना ये शरीर तांकर कौन सी प्रकार क्षीर पर क्षीर आज्ञा आसी जाऊँ आपण देखुं किपरि भाव में गोटे रथ पर आउ गोटे रथ पाख को मध्य आसिक क्षीर पहुँचुची जो क्षीर सागर कथा
आज क्षीर सगर आज्ञा आप देखिए महाप्रभु आगे जो भग्न होते क्षीर सगर प्रत्यमान हे महाप्रभु आगे कहीं अनेक प्रकार कथा रही क्षीर सगर में महाप्रभु संताकार भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम महाप्रभु पाखे अगणित भक्तवृंद मान आसी विराजमान करपर भाव क्षीर सगर भितर महाप्रभु दृश्यमान हूँ ये हूँ महाप्रभु पानीयापट सेवकं ये हूँ गोष्ठीगत सेवा कहीं प्रत्येक दिन जल जोगे महाप्रभु अन्न्य नीतिकांति होता है किंतु आज समस्ते एकत्रित हो महाप्रभु पाखे सेवा संपादन करने आसी एकत्र भाव रखा जाए कहीं एकत्र भाव रही महाप्रभु स्वतंत्र भाव सहित रही था एका रही एकत्र रुहतु कहीं एकत्र रे सबकि प्राप्ति हो पार से जोबले अधरपणार समस्त प्रकार चली से महाप्रभु आज माटी पात्र ये माटी पात्र कादुओं आसव ये गोटे कथा बड़ भाई जो कथा कहते आज्ञा ये तंत्र पद्धति कहीं तनु अर्थात शरीर ये शरीर क्या दरे ना पंचभूत आज्ञा ये शरीर टीए गढ़ा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचभूत ये पंचभूत ये शरीर आज्ञा गढ़ा ये पंचभूत आसी था पंचभूत मिशिता देखु महाप्रभु पाखे सेवा करार जो तत्परता ता देखा प्राप्ति होती कहीं भक्तवृंद मैने रोग करा जाए कहीं महाप्रभु जेहेतु जल जाऊँ जल शीघ्र गले पुणी भक्त आगो को जीवे देखु ये समस्त प्रकार पद्धति जेहेतु महाप्रभु पाखे ये शरीर से भाव बल दरकार हम कहीं आउ तो कहीं आज्ञा कू ना कूर जल बाहर करवा कथा असंभव कथा कू थे सीना समस्त जार कू अच्छी आस्ते आस्ते मटर सुइस लगला मटर लगे पा आसला कितु एठार कौन प्रकार महाप्रभु जहाँ पद्धति रही वैदिक पद्धति अनुसार महाप्रभु समस्त प्रकार क्रिया हुई था क्या महाप्रभु कूप रही देखिए जदि मंदिर भितर गंगा जमुना कू विमला माता कू आपड़े देखिए ईशानेश्वर मंदिर पाखे कूप रही अनेक कूपर कथा रही महाप्रभु जो रही था जपर भाव में महाप्रभु गुंडीचा मंदिर जाते सेठार कूप थी महाप्रभु कहीं जल जिते बाहर कराई था कौन सी प्रकार कहीं महाप्रभु कौन सी जो देखिए मोटर लगे सेटा निश्चित भाव में किसी ना कि जंत्र लगवा द्वारा जंत्र भितर जिते से जल आसव सी मध्य किसी ना कि मारा हो जाए वैदिक पद्धति देखा से ये जल स्रोतमान बही जाऊवा जो जल ताक आनीपारे ना कूप जल जहाँ आप देखुं जो जल से जल डायरेक्ट आपार विधान रही से कूप जल में महाप्रभु समस्त प्रकार नीतिकांति ये कूप जल हूँ सबुठ पवित्र जल आज्ञा ये कूप जल द्वारा पान कले अनेक रोग भल हो जाए से कूप जल कहीं मटी संजोग कर पुणी एत गभीरतर जे जो जो मटी अनेक औषधीय द्रव्य औषध्य आपखिए कहीं औषधीय से मटी भितर ही सबकि आज्ञा अच्छे भूमि आज्ञा भूरसी भूमिश्य दीतिरसी विश्वदायाम विश्व भुवन सदत्ती पृथ्वी जच्छा पृथ्वी द्रोही पृथ्वी माम से भूमि ठार भूमा पर्यंत आज्ञा महाप्रभु ये समस्त प्रकार पाता जो अच्छी जिते चौदह भुवन कथा आसी था भू भुव सोह मह जन तप सत्य ये कथा जितेबाला आसता है से भाई भाव सहित तलातल पाताल रसातल कथा जितेबाला आसी था महातल से भाई भाव में आम देखुं कौन ना चौदह चक विराजमान कर महाप्रभु तालध्वज रथ पुणी बड़ बाड़ सामंत दर्शन करुं द्रुभ्यां शोभितलांगलम समुसलम कादंबरी चंचलम रत्नाढ़ो वरकुंडलो भुजबले रक्तम च भूमंडलम वज्राभामल चारुगंडजुगलम नागेन्द्रचूड़ोज्वलम संग्रामे चपलम शशांक धवलम श्री कामपालम भजे से कामपाल जिते देखुं सी चौदह चक विराजमान करध्वज रथ उपर से चौदह भुवन कथा जिते आसी थाए भूमि ठारू भूमा पर्यंत कथा से भाव सहित
भूमि उपरे महाप्रभुंकर भूमि को स्पर्श करी से समस्त प्रकार जल आज्ञा जहाँकि जल संपद आमर मध्य रही से जल जेतेबले आसुची से जल द्वारा मध्य अनेक पवित्रता शरीर आरोग्य होइथाय मध्य कहा जाए जो पुराणा पद्धति अनुसार आप देखिए जेतेबले आम जीवा जदि जे बो संपूर्ण भाव आमर घरे अच्छा बड़ बड़ बड़ुआ जी अच्छा पचारे आप जल पीते ये मिनराल व्टर आज्ञा पीन सी आज्ञा कूप जल पान करुले कौन सी प्रकार रोग हो नाला किंतु एवं कौ जल आनीच किपर भाव आनीच कौन करते प्रकार पचारि था कि महाप्रभु केत देखुं महाप्रभुकर सामनार आसूँ समस्त प्रकार जल महाप्रभु को तो ये प्रकार पद्धति अच्छी महाप्रभु को तो ताहुंता वैज्ञानिक पद्धति अनुसार विभिन्न प्रकार पद्धति आप्लाय हो पारे खर्च हो पारे ना कि कराए ना आज्ञा वैदिक पद्धति अनुसार कहीं महाप्रभु सदा सर्वदा वैदिक मानकर देवता जहाँ भी महाप्रभुंकर सबकि वैदिक महाप्रभुंकर रोष वैदिक महाप्रभुंकर जीवा सी वैदिक महाप्रभु एठार रहा तहार वैदिक आज्ञा महाप्रभु रही कौन पर आज्ञा ये इंद्रदेवता इंद्रदेवता जेहेतु कौन कले ना वृष्टिपात न करवा द्वारा जेहेतु इंद्रदेवता कहले मु तो आपन को दर्शन कर पारे मुझे स्पर्श कर पारुनि मु कहीं बा ये धरा पृष्ठ को मु कहीं भाव में शस्य श्यामला बारंबार बारंबार प्रचेषा करुँ महाप्रभु कहले हूँ स्पर्श देवी महाप्रभु से बाहर आसी विराजमान करेतु वृष्टि नहले कि हम ना आज्ञा वृष्टि जाकि शस्य श्यामला थाए से वृष्टिपाई महाप्रभु हौ मु किछि दिन रही जाऊँ पुणी एथर महाप्रभु बेसी गोटे दिन अधिका रही देखिले बाहुड़ा जो दिन महाप्रभु आहुरी आसिले से देखुं के महाप्रभु बाहर को आसु आसु बाहुड़ा दिन वर्षा महाप्रभु रथ पहुँच सारापर वर्षा काली महाप्रभुंकर देखुले सुवर्ण रेश महाप्रभु दर्शन करुले कई वर्षा टिके हो नाला समस्ते दर्शन कर जाते जमी वेश उलागी होगला महाप्रभुंकर इंद्रदेवता पुनर्वार वर्षा कले आज तो सकाल समय वर्षा केवल महाप्रभु से इंद्रदेवता तृप्ति करने बाहर विराजमान कर इंद्र आसिकी कौन ना ना मुर्षा करुची सदा सर्वदा ये राज्य शस्य श्यामला हाँपाई मु सदा सर्वदा आपणकर आज्ञा आज्ञा हो ये भावना को सी इंद्र थर हर आज्ञा देखापी सी जपरी भाव में कि महत लोक आसिले आगे आम विभिन्न प्रकार कार्य करें ये सब कार्य कर सहित इंद्रदेवता महाप्रभु राजाधिराज ये प्रसवशालिने नमो वयम वै श्रवणाय कुरुमहे क्षमे कामांत कामाय मह्यम कामेश्वर वै श्रवणं ददातु जेतेबले राजाधिराज विराजमान करिछंती समस्त देवता मानंकर भितर राजा अगणित भक्तवृंद मानंकर भितर आनंद आपण माने देखुछंती त महाप्रभुंकर नाम को संकीर्तन करी महाप्रभुंकर नाम को कीर्तन करी हजी जाउछंती मजी जाउछंती आ महाप्रभुंकर से बड़ दांड रे गाई उठुछंती महाप्रभुंकर नाम एपटे समस्त प्रकार सेवक माने विराजमान करिछंती महाप्रभु मध्य चका चका नयन रे समस्त को आज्ञा चाहिछंती से भक्तवृंद मानंकु चाहिछंती आउ समस्त एठारे थिबा समस्त देवता मानंकु मध्य महाप्रभु चाहिछंती इंद्रदेवतांकु चाहिछंती चंद्रदेवता मध्य आगमन कलेणी जेतु संध्या आगमन रे चंद्रदेवतांकर मध्य आगमन होइथाय इमं देवा सपुत्र महता सुबुद्ध मते से चंद्र मध्य आगमन कले देखुं किपर भाव में किए कौन करुच्ची आहा एठारे जलदेवता आगमन करते गभीर कूप को प्रायतः जहाँ जनापड़ी 50-60 फुट निम्न भाग को महाप्रभुंकर जल रही से जहाँ संपूर्ण भाव में देखुं गोटे पात्र जपरी भाव में गोटे बाल्टी साल आसिले पुनर्वार पीतल गरा सा महाप्रभुंकर पाखे जा पहुँचु कहीं अष्टधातु निर्मित होता ये समस्त प्रकार महाप्रभुंकर पीतल अनेक प्रकार महाप्रभुंकर बासन कोसन रखा जाए महाप्रभुंकर कहीं जहाद्वर बेसी व्यवहार होना महाप्रभुंकर अल्प व्यवहार जहाँ रूपा सुनारे महाप्रभुंकर कहीं समस्त प्रकार जदि आप देखिए जहाँ
भंडार गृह भितर भंडार गृह तालिका जदि आप देखिए ताले समस्त प्रकार सुवर्णर पात्र रूपार पात्र महाप्रभु अच्छी एमती दीप ठार आरंभ कर महाप्रभु समस्त प्रकार थाली समस्त प्रकार गरा समस्त प्रकार द्रव्य मान महाप्रभु रही महाप्रभु हूँ राजा दि राज पाखे किंतु जेहेतु ये गराटे पीतल रही यदि पड़े कि अनिष्ट हम ना अर्थात से गरा फाटबना कि कौन सी प्रकार कणा हेना से पीतल व्यवहार कराए देखुं पानी आपटकर सेवा किपर भाव ये हूँ कण ना शरीर शरीर चर्या कर ये देखा मिलता है से शरीर चर्या नई महाप्रभु पाखे एत पा किपर भाव नहीं कि रखे महासुआर सेवक आज्ञा आसवे मुख तुंडी बाघ तुंडी बांधिकी समस्त प्रकार क्षीर छाची ये समस्त प्रकार कदली सर विभिन्न प्रकार द्रव्य को मिसाई प्रस्तुत करेंगे आज कहीं जल आणवे जड़े प्रस्तुत करेंगे जड़े बाढ़ीदे जड़े ये महाप्रभु को भोग लगेदे जड़े ये समस्त प्रकार समस्त दायित्व समस्त को बांटी महाप्रभु आज्ञा समस्त दायित्व समस्त को प्रदान कर महाप्रभु क्या किपर भाव दायित्व बांटी ताप देखुं कहीं महाप्रभु समस्त को इंद्रंकर देवता इंद्रंकर पाखरे अच्छी अग्निंकर सेवा अग्निंकर पाखरे अच्छी समस्त सेवा समस्त पाखरे अच्छी किए चाहिए कौन कह प्रकार सेवा करना से भाव सहित आज्ञा एटारे समस्त सेवा अलग अलग कहा पाखरे किए महाप्रभु को घंट बजाई महाप्रभु को से भाव में नहीं जीव तो किए महाप्रभु को मध्य कौन करना भोग नैवेद्य लगेदेव किए महाप्रभु को सिंगार करदेव किए महाप्रभु पाखरे चंदन टिके आनीदेव किए महाप्रभु पाखरे किए कौ कौन प्रकार किए वस्त्र बुणिकी महाप्रभु पाख को प्रदान कै तो किए फूल फूल को गुंथिकी महाप्रभु को प्रदान कै से समस्त प्रकार एठारे तृणादपि सुनी चेन तरुरूपी सही सुनता समस्त को महाप्रभु किछि ना किछि अधिकार देइछन्ति आज्ञा से भक्त टीए महाप्रभु पाखरु किछि आशा करे कौन सेवार आशा महाप्रभु आपणकर पाखरे मु किछि सेवा करि पारे किछि ना आज्ञा समस्ते सेवा करि परिबे महाप्रभु पाखरे किपरि भावरे महाप्रभु पाख को आज जेतेबेले आसन्ति सेतेबेले तुलसी धरिकी आसन्तु महाप्रभु पाखरे से तुलसी लागि हबो तुलसी रो सेवा मध्य होइजिव महाप्रभु पाखरे पाख को फूल टीए पठाई दिंतु तुली कि जेहेतु देइछन्ति आपण परिश्रम कर तुली जो ये आप देखुं महास्वार सेवक मैंने स्वार महास्वार सेवक आसी पहुँची गले आज्ञा महाप्रभु पाखरे सेवा करने महाप्रभु पाखरे बसी विभिन्न प्रकार शास्त्र आलोचना सेवक मैंने करते महाप्रभु अपूर्व भाव सहित से सेवा संपादित करते महाप्रभु ये लीला करज्ञा ये लीलें जेहेतु महाप्रभु अच्छा पुरुषोत्तमाख्य सुमहतम क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु श्री सोमानुष लीले आहा बड़बार सामंत ऊर्धमुख हो विराजमान करिछंती आज्ञा ऊर्धमुख को विराजमान करिछंती जतेबेले देखुछंती दर्शन कहा जाइछि महाप्रभुंकर दर्शन भावरे जे दर्शन कर दिए जीव मध्य मुक्ति हो जाए महाप्रभुंकर नयन देखा बेले समदृष्टि दिया ठाकुर किंतु महाप्रभु बड़बार सामंतंकर ऊर्ध नयन पुणी रामकृष्ण बेनी भाई विराजमान करे से भाव सहित सेवा पूजा समस्त प्रकार चलुची महाप्रभु अरूपरे रूप विभिन्न प्रकार रूप को सी धारण करपरती भाव महाप्रभुंर ये अधरपणा नीति आदि कराऊ महाप्रभु से अधरपणा को मध्य महाप्रभु कौन करे ना ग्रहण कर पणा तो पूरी सहर रे पणा कथा कहले अनेक पणा रही आज्ञा जदि पूरीर पणा कथा कहे ताले प्रथमे समस्ते भावे कौन ना गोटे भांग पणा ताकू समस्ते भावि था किंतु ता भितर आपण देखिबे जदि अनेक प्रकार पणा रही जो फल को देवे सी प्रपानक करी आपण को प्रदान करदे एमती गोटे पत्र रही गरुड़ गोविंद पत्र संपूर्ण भाव में देखा गले प्रपानक कही संपूर्ण भाव में प्रदान करा जाए जहाँ को शरीर अनेक प्रकार रोग भल होता है
अनेक प्रणार पणार व्यवस्था रखा जाइछि। महाप्रभु बड़बार सामंत को आपण माने दर्शन करुछंती जते बेले कादंबरी चंचलम ये मध्य सदा सर्वदा प्रपान कर सदा सर्वदा तंकर मध्य आशा थाए से पुनी कोनो कादंबरी कादंबरी रस को जी सदा सर्वदा पान करिबार जहांकर इच्छा थाए महाप्रभुंकर से प्रपान कर। आउ गोटे कथा कहीं हुए अधरपणा को भंगा ये भंगा हबार कारण कौन ये प्रश्नर उत्तर खोजा पूर्व यही अधरपणार विधिटी कौन संपर्क निश्चित भाव जाणवा दरकार। ये अधरपणा हूँ विशेष प्रणाली रे प्रस्तुत एक पणा भोग यही भोग एवं द्वादशी तिथि रे हूँ किंतु इतिहास रे सूचना अच्छी दशमी ता सहित बाहुड़ा महाप्रभुंकर सिंहद्वार रे पहुँचिले रथारूढ़ बा परे परे ता सहित महाप्रभुंकर एकादशी द्वादशी ये समस्त प्रकार कथा मध्य रही। या साधारणतः उद्देश्य हूँ ठाकुर मानकर पथक्रांत अपोदन बा महाप्रभुंकर जिते पथ को जिते बड़े आसी आम कि बाट चलवापर आम को कौन लगी था हालिया लगी था आम पानी पी था से भावर सहित से ही भावना महाप्रभुंकर प्रपानकर व्यवस्था करा करपाई महाप्रभुंकर कारण आम दूरपथ अतिक्रम कर आसिले कणा पाणी टिके मध्य साष्टांग मध्य होती ये से ही हूँ महाप्रभुंकर विधि अधरपणा भांगिबार नीति सूचाई दे था जे महाप्रभुंकर जिते बड़े महाप्रभु कह जाए भंगा जाए ये भंगा हबार कारण कौन पचर आहुरी गभीर रहस्य कथा रही थी आज्ञा। अधरपणार इतिहास अनुध्यान कले जना जाए जे यही तीन कह प्रथमे बाहुड़ा दशमी दिन होता या परे परे हा एकादशी आहुरी परे परे द्वादशी दिन करागला कारण अनेक समय रे बाहुड़ा यात्रा रे तीन रथ से दिन आसी सिंह द्वार आगे पहुँची पार ना कथा किंवदती प्राप्ति हुए तेणु दशमी परिवर्ते एकादशी एकादशी रे पुनी सुनावेश सुनावेश होई पुनर्वार उलागी हवा परे परे कहीं महाप्रभुंकर दीपर धूप पर सुनावेश ये अधरपणा दीपर सरी जाइछि अधरपणा तापरे महाप्रभुंकर अधरपणा सरी सर आज देखिए संध्याधूप संध्याधूप परे परे महाप्रभुंकर कौन करा विशेष विधान अनुसार महाप्रभुंकर चंदन लागी तापरे महाप्रभु बड़ सिंगार वेश द्वादशी दिन करागला राम कृष्ण और मदन मोहन ये तीन हांडी अधरपणा भोग से दिन लागू लगी हेबार कथा सप्तदिन बा सप्तादश शताब्दी शेष अष्टादश शताब्दी आरंभ बेलू श्री जगन्नाथ निकट में अमृत कुंड नामक गोटे विशेष पणा भोग होता किंतु ता विलुप्त हो जाए नीलाद्री महोदय ग्रंथ से देखिए पणा भोग प्रस्तुति होता नीलाद्री महोदय प्रपानकर कथा जिते बड़े आसी थाए महाप्रभुकर प्रपानक प्रस्तुति हो प्रपानकर महासुआर दुई भाग जल एक भाग विमल बा संपूर्ण भाव रे खंड साकर एक भाग लेखाए सीता बा दुग्ध छेना दुग्धसार पाचिला कदली यही पणा प्रस्तुति मध्य करिथन सेथिरे कर्पूर गोलमरीच आदि मिसाई ये अमृत कुंड महाप्रभु को समर्पण करा जाइथा ये होची अमृत कुंड अमृत दर्शन काली देले आज अमृत कुंड समर्पण करा जाइथा से अमृत कुंड को महाप्रभुंकर पाखरे रखा जाए से पुणी कौन कर महाप्रभु को अर्पण करते रथमार्ग संपूर्ण भाव सुगम नाला से बड़गंडी ठारे महाप्रभुंकर विश्राम स्थल सेठार महाप्रभुंकर अमृत कुंड नामक पणा भोग सुनावेश पर दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल द्वादशी दिन मध्यान्ह धूप आज शेष होगा पर भोग पूर्वरु राघव दास मठ एवं बड़ उड़िया मठ गजपति महाराज तीन तीनोटी लेखाएं नौटी हांडी प्रस्तुत करा जाउथिला एबे किंतु बड़ उड़िया मठ तार शास्त्र अनुसार बजाई रखिचंती किंतु राघव दास मठ तरफ राजांकर दउथुबा समस्त प्रकार ता प्रशासनिक महाप्रभुंकर से चका चका नयन आपण देखुचंती ये प्रपानक भोग नौटी सामग्री से सामग्री हूँ क्षीर सर छेना छाची
ବା ନବାତ ବାଜିଲା କଦଳୀ ଗୋଲମରିଚ ଜାଇ ଫଳ କର୍ପୂର ଓ ଜଳ ପୂର୍ବରେ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ସେଠାରୁ ଜଳ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଛାଉଣୀ ମଠରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଯାଉଛି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପାଖରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତୁମ୍ବା ଆକୃତିରେ ରଖାଯିବ ଏବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଲି ଜଳ ଯାଉଛି ଜଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବର ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ ସେବା ଚାଲିଛି ନବ ନୀରଦ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି ତନୁ ଶୁଭଦାରବ ବିଗ୍ରହ ରମ୍ୟ ହନୁ ଅତି ବେଲ ସମାକୁଲ ହୈ ମମନେ ଜଗଧୀଶ କୃପାମ କୁରୁ ଦୀନ ଜନେ ଗରାବଡ଼ୁ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କାହିଁକିନା ଗରାବଡ଼ୁ ସେବକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଝରି ଗୋଟିଏ ଧରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ସମାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହାତରେ ଯେପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଲୋକ ପିତା ହେ ଜଗଜ୍ଜନ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ପିତା ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ପିତା ମହୀଧର ପିତା ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପିତାଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେ କମଣ୍ଡଳୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବର ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗରାବୁଆ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ହାଣ୍ଡି ଯାଉଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଇଏ ତାପରେ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସିବ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଗରେ ଦେଖିବ ଭୋଗ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଇଏ ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଆଗମନ କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ଭାବରେ ସେଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକିନା ମଦନ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଳେଇ ଯେ କି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପାତ୍ର ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ମପାଯିବ କେତେ ସର ଦିଆଯିବ କେତେ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ କେତେ ପ୍ରପା କେତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ୟାଦରେ ମପାଯାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସହିତ କେତେ ଜଳ ଦିଆଯିବ ଏତିକି ହାଣ୍ଡି ଜଳ ଏତିକି ହାଣ୍ଡି କ୍ଷୀର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କିପରି ଭାବରେ ଦିଏ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲାଣି ତାପରେ ତୁମ୍ବା ଆକୃତିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ତ ସେଭଳି ଭାବରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଜଳ ବୁହା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ବୁହା ଚାଲିଛି ଜଳ କେବଳ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତିନି ରଥକୁ ଯେ ଜଳ ସେଭଳି ଭାବର ସହିତ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ସେବା ସରିଯିବ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳ କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଅଧରପଣା ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାରର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ପରେ ପୁନର୍ବାର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବର ସହିତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ ଲୋକାନୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ଲୋକାନୁଗ୍ରହକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୀଳା ଆସନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଭଜରାମ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ